is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by two or three of their favorite big business people. That is why they changed these rules. Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into rich businessmen's pocket. Thank you very much. Symbol of Mahatma Gandhi, sir. What about your thing, sir? Huh? What about you think, sir? Gandhi symbol of Mahatma Gandhi, sir. Yeah, yes, sir. Charkha, the wheel is the symbol of Mahatma Gandhi. It's also the symbol of Emperor Ashoka. It's a historical symbol. Sir, do you think that the central government has made a mistake by allowing... This is not a mistake. The point is that they want to take away what is theirs and give it to two or three of the biggest industries. Right? So in India, if you look at, for example, Notbandi, demonetization, you look at GST, you look at farm laws, every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest. कि वह आजाद भारत में 75 वर्ष से सांस ले रहा है, वो चाहता है कि वो इस उमंग और उत्साह को एक ऊर्जा के साथ मनाए। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लगाने का एक आह्वान किया है। इसमें भी राजनीति करना और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? हम तो आज भी कहते हैं, राजनीति छोड़िए, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं है, तिरंगा इस देश का है, भारत माँ का है। आइए राहुल जी, आप भी तिरंगा फहराइए पूरे देश में, पूरे अपने जिन भी राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे आप निवेदन करिए कि वह भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लें। एक सवाल समित जी, कर्नाटका में राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है छोटे और मीडियम जो स्केल के बिजनेसमैन है वो जो बनाते हैं वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, सिर्फ दो तीन बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है और उन्हीं की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की टेप रिकॉर्डर वो अटकी हुई है वहीं पर कि दो तीन बिजनेसमैन वो आज से 10 साल पहले से ही यही कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड में माल फंक्शनिंग है।